अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर सेवन में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस तरह का टॉपिक ना आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर वहाँ पे भी 7 ही है उसमें पढ़ा हुआ है। कम से कम आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन आनी चाहिए। और सेकेंड नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कहते हैं जी बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो मोमबत्ती का जलना ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसकी वजाहत करें। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आई थिंक आपके एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है। सो हम सबसे पहले डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और यहां पे हम लिखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वर्ड प्रोसेस भी आ सकता है, वर्ड रिएक्शन भी आ सकता है, दोनों ही बातें सही हैं। स्पॉन्टेनियस का लफ्जी मतलब होता है खुद ब खुद। स्पॉन्टेनियस का लफ्जी मतलब देखा जाए कहते हैं खुद ब खुद होने वाला। और नॉन स्पॉन्टेनियस इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जो खुद ना हो, इसका हम नाम देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस का। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद हो स्पॉन्टेनियस है, जो खुद ब खुद ना हो नॉन स्पॉन्टेनियस है। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, बात समझ आ जाएगी। सही है, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के ऐसे टाइप विच टेक प्लेस ऑन देयर ऑन का मतलब खुद ब खुद, ऑन देयर ऑन, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, बैरूनी एजेंट के बगैर, एक्सटर्नल एजेंट, एंड मूव, और ये हरकत करे, एंड मूव फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको हम नाम दे रहे थे, इस कार्ड। अगर कोई बच्चा ये लास्ट वाली बात नहीं करना चाहता, मतलब यहाँ पे लिखा जी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो भी डेफिनेशन सही होगी, याद रख। अगर इतनी बात छोड़ भी दो तो भी बात सही है। ऐसे केमिकल रिएक्शन या ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद हों बगैर किसी बैरूनी एजेंट के, इस तरह के प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का नाम दिया जाता है। अब अभी सिर्फ डेफिनेशन लिखी, इसको समझेंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होंगे? दोस केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस विच टेक प्लेस जो कि हो रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल का मतलब होता है बैरूनी एजेंट के मौजूदगी में हो एजेंट, इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैं पहले एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बाद में हम इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। भाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की मैं अगर एग्जांपल दूँ, बच्चे ये एक मैं सपोज करता हूँ, ये छत है, इसके ऊपर पानी की टंकी पड़ी हुई है, यहाँ पाइप लगा हुआ है और यहाँ पे एक टूटी लगी हुई है। अब खुद सोच के बताओ कि अगर मैं यहाँ टूटी को ओपन करूँगा, ये पानी जो ऊपर पड़ा हुआ है कि ये नीचे की तरफ आएगा, खुद ब खुद ही आएगा। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है, ये खुद ब खुद हो रहा है। आप रोटी ओपन की, पानी खुद ब खुद आना शुरू हो गया, सही है। सो हमारे पास पहली एग्जांपल अगर फिजिकल स्टेट के हवाले से देखी जाए, फिजिकली देखी जाए, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अप हिल टू डाउन है,
ऊपर से नीचे की तरफ पानी की मूवमेंट जो है ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये क्या हमारे पास है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर मैं इसको बिल्कुल इसका रिवर्स करूं, मतलब मेरे पास ये छत के ऊपर एक टैंक पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक पानी में सपोज करता हूँ ख़त्म हो गया। अब नीचे टैंकी है, टैंकी के अंदर पानी है, मैं यहाँ से पाइप लेके इसको लगा के यहाँ पे टैंकी के अंदर फेंक दूँ, कहूँ कि पानी इस साइड पर खुद ब खुद ही टैंकी के अंदर भर जाए, कैसा पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन ये काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है ये काम कर ही नहीं सकते, किया जा सकता है। कैसे? मोटर लगा दो यहाँ पे। अब ये जो मोटर मैंने लगाई है ना, इसको केमिस्ट्री की जुबान में एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एजेंट। देखो काम किया जा सकता है लेकिन किसी बैरूनी एजेंट की मौजूदगी में इस तरह के रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। सही है। तो अब डेफिनेशन उम्मीद है कि समझ आ गई। द केमिकल रिएक्शन प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट, जो बैरूनी एजेंट की मौजूदगी में हो रहे हों, इसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस क्या होगा? जो बगैर किसी बैरूनी एजेंट के हो रहे होते हैं, खुद ब खुद हो, इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। बच्चे याद रखिएगा, ये वाला जो प्रोसेस है ये नेचुरल है, ये वाला नेचुरल नहीं है, ये खुद ब खुद होता है, इसलिए ये नेचुरल है। सो हम कह सकते हैं इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, जबकि ये वाला हमारे पास नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, अगर मैं एक और बात यहाँ पे कहूँ, भैया हमने लास्ट में पढ़े थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या होते हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद जिनमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक है, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, मोस्टली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, जिनमें हीट निकलती है ना वो क्या हमारे पास स्पॉन्टेनियस, जिसमें हीट जैसे होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन मोस्टली वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। मैं जनरली बात कर रहा हूँ लेकिन ये बात हर बार करेक्ट नहीं होगी, जनरली ऐसा होता है, जनरली अमूमन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, स्पॉन्टेनियस इन नेचर, इन नेचर। और जनरली एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन कह लो या प्रोसेस कह लो, रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। और लास्ट में कुछ एग्जांपल दूंगा और बात को ख़त्म करेंगे। कम से कम बच्चे मैं फिर कह रहा हूँ डेफिनेशन एंड एग्जांपल लाजमी करो, बाकी बीच में दो तीन पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, ये कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। एग्जांपल हमारे पास, आपने ना 10 क्लास में एसिड बेस रिएक्शन पढ़े हुए हैं, एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल उठा के आप यहाँ पर लिख सकते हो। मसलन HCl का रिएक्शन अगर आप करवाते हो किसके साथ? NaOH के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा? NaCl और साथ में H2O। एक और एग्जाम्पल करवानी है, आप HCl की जगह पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो? HNO3। बस बाकी सारा कुछ मैं वैसे के वैसे रखूँगा। NaOH, Cl की जगह पे क्या आ जाएगा? NaNO3 और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। सही है। इसके अलावा एक फिजिकल भी एग्जाम्पल दे देते हैं जो मैंने यहाँ पर दी है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अपहिल टू डाउनहिल। सो हमारे पास ये भी इसकी एग्जाम्पल में आ सकता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अप हिल टू डाउन हिल, ऊपर से नीचे की तरफ पानी की मूवमेंट। और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की बात करूं, बेटे नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में मिलाओ तो हमारे पास बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर तो लगा दो, यहाँ पर तो लगा दो, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस है? इधर देखो,
देखो ये दो गैसें अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं, नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर के अंदर, ऑक्सीजन 21% है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन ये वाला केमिकल रिएक्शन कभी भी नहीं हुआ। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को करवा सकते हो, कहाँ पे होता है ये वाला केमिकल रिएक्शन? जब लाइट चमकती है ना, बिजली चमकती है, तब हो रहा होता है। जब बारिश हो रही होती है, बिजली चमक रही होती है, तब आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में नाइट्रेट्स बनते हैं। वो नाइट्रेट्स ऐसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे होते हैं, सही है? नाइट्रेट्स बने, सही है? ये बने कब? जब बिजली चमकी। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी दे देते हो तो ये रिएक्शन होगा, वरना ये रिएक्शन नहीं होगा, सही है? इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाऊँ, ये कभी भी हवा के अंदर ही मौजूद है, कभी मिलकर अमोनिया नहीं बनाते, सही है? तो ये कम से कम कुछ रिएक्शन याद रख लीजिए। इसके अलावा एक और मैं आपको नॉन स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल देता हूँ। ये इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन अकरिंग इन, रिएक्शन अकरिंग इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? तो हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, इसमें गैल्वेनिक सेल भी लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस में। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसमें करंट गुजारने के बाद रिएक्शन होता है। और गैल्वेनिक की सेल क्या होता है, जिसमें रिएक्शन होने के नतीजे में करंट बनता है। रिएक्शन होने के नतीजे में जिसमें करंट बने वो गैल्वेनिक सेल है, और जिसमें करंट गुजार के, जब तक आप करंट नहीं गुजारोगे रिएक्शन नहीं होगा, सही है? तो ये चंद एक चीज़ें याद रख लीजिए, कम से कम एक एग्जांपल लाजमी 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 याद रखनी है, दो तीन लिख दी हैं, सही है? तो हमारे पास नेक्स्ट एक जो शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है वो ये है कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल, बर्निंग ऑफ, अच्छा कैंडल की जगह पे ना मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है एग्जामिनर, वो लफ्ज़ चेंज करेगा बात वही होगी। बर्निंग ऑफ कैंडल कह सकता है, बर्निंग ऑफ पेपर कह सकता है, बर्निंग ऑफ वुड कह सकता है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल कह सकता है, फॉसल फ्यूल्स, इनमें कोई भी लफ्ज़ आ सकता है आपको, लेकिन जो अमूमन आएगा वो आपको कैंडल ही कहेगा। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो बर्निंग ऑफ कैंडल ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो खुद ब खुद होने वाला अमल है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की वजाहत करो। मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि जो कैंडल की बर्निंग है स्पॉन्टेनियस ही है, लेकिन आपने इसकी वजाहत करनी है। अच्छा, आप कुछ प्रोसेस ऐसे हैं, अभी तरह मेरी बात सुनना, अगर समझ थोड़ी सी बात समझने वाली है इसमें। ये कैंडल है ना, आप इसको वैसे रख दो, दो दिन पड़ी रहेगी, तीन दिन पड़ी रहेगी, कभी भी इसमें रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। कभी ऐसा हुआ हो तो मोमबत्ती पड़ी है खुद ब खुद ही जलना शुरू हो जाए, नहीं, लेकिन आपकी बुक वाले लिखते हैं, लेकिन इसकी बर्निंग जो है ये स्पॉन्टेनियस है। कैसे? कहते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, जब एक दफ़ा स्टार्ट हो गए तो चले रहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिए इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको थोड़ी सी मोटर चला दो, बाद बंद कर दो, पानी खुद खुद ऊपर जाता रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको लगातार जब तक आप मोटर चलाओगे तब तक पानी ऊपर जाएगा, जैसे मोटर बंद की प्रोसेस रुक गया। अब कहते बात यह सिंपल सी है, कहते बर्निंग ऑफ कैंडल है, अगर इसमें देखा जाए तो मोमबत्ती को जलाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, कहते थोड़ी सी एनर्जी आप दोगे, एक दफ़ा स्टार्ट होकर फिर चलता रहेगा, इसलिए हम बर्निंग ऑफ कैंडल को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ले रहे होते हैं। और ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है, सम रिएक्शंस, इस तरह आप इसका आंसर करो, सम रिएक्शंस रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। कुछ रिएक्शन को थोड़ी सी मिकदार में एनर्जी चाहिए होती है टू इनिशिएट शुरू होने के लिए, टू इनिशिएट
when the reaction start, reaction start, जब एक दफा reaction शुरू हो जाए start, then the process, तो फिर ये जो process है will occur, ये हो रहा होता will occur on its own, खुद ब खुद. So to start burning in candle को अगर आप जलाना चाहते हो, spark is needed. Spark का मतलब तो थोड़ा शोला चाहिए. Spark is needed. जब एक दफा कैंडल जलना शुरू हो गई तो तब तक जलती रहेगी तब तक ये खत्म ना हो जाए. When the burning of candle, जब कैंडल की बर्निंग started शुरू हो जाती है, then it continue, ये जारी रहती है until, हत्ता के, until all the, या वॉल कैंडल कर लो या आल द वॉल कैंडल कर लो. अच्छा, वॉल मुकम्मल कहते हैं, सारे के सारे कहते हैं वॉल कैंडल बर्न. सो बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से हम कह सकते हैं कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे. अब अगर आपको बर्निंग ऑफ कैंडल की जगह पे पेपर आ जाए तो जहाँ जहाँ पे कैंडल लिखा वहाँ वहाँ पेपर कर दोगे. अगर वुड आ जाए लकड़ी, तो लकड़ी को भी आपको दो खुद नहीं लगती, एक दफ़ा लग जाए तो लगी रहती है फिर. सही है, वो आ जाए वर्ड तो आप कैंडल की जगह वुड कर दोगे, फॉसिल फ्यूल जो भी आ जाए. सही है, तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.